धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपके समीप आते हैं और आपकी उपस्थिति में आकर आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि प्रभु आपकी उपस्थिति में आने से हमारे जीवन में अद्भुत सामर्थ्य आप प्रकट करके हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए कार्य करते हैं। प्रभु आपकी उपस्थिति में आने से आप हमारे भीतरी मनुष्यत्व को नया बनाने का काम करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा और अपने पवित्र वचनों के द्वारा। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी अनुग्रह की दृष्टि हमारे जीवन में बनी रहे और हमारे जीवन में आत्मिक उत्थान हो, आत्मिक उन्नति हो और आत्मिक परिपक्वता में हम आगे बढ़े, ताकि हम सबका जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो और आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 31, 31वां सेशन है आज। वॉकिंग बाई फेथ का स्पिरिचुअल ग्रोथ में आज हम सेकेंड पॉइंट देखेंगे। द पॉइंट नंबर 2 इज पावर ऑफ थॉट्स, विचारों की शक्ति। कल हमने अ ग्रेजुअल ग्रोथ देखी थी और सेकेंड पॉइंट है अ पावर ऑफ थॉट्स, हमारे विचारों की शक्ति। योर थॉट्स आर वेरी पावरफुल। हमारे और आपके जो विचार हैं वो बहुत, उनमें सामर्थ पाई जाती है, शक्तिशाली विचार है। इन फैक्ट योर डेली रूटीन, यहां तक कि हमारा प्रतिदिन का जो जीवन का शेड्यूल है या हमारा जीवन में जो हम प्रतिदिन कार्य करते हैं, हमारे सुबह से लेकर शाम तक का जो हमारा रूटीन है, एवरी एक्शन, हमारा हर कार्य जो हम करते हैं, एवरी बिहेवियर, हर व्यवहार जो हम करते हैं इज मोटिवेटेड बाय व्हाट यू थिंक अबाउट। वो सब इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे अंदर किस प्रकार के विचार हैं। हमारे विचारों के अनुसार हम अपने जीवन का निर्वाह करते हैं और अपने हमारा जो व्यवहार है वो हमारे विचारों के अनुसार ही होता है। इट हैज़ बीन राइटली सेड, इसीलिए ये कहा गया है, सो अ थॉट एंड यू रीप एन एक्ट। हम विचार बोते हैं और उसके बदले में एक्शन की खेती उगती है, यानी वही सब चीजें उगती जो हमारे विचारों में होती हैं। सो एन एक्ट यू रीप अ हैबिट। और जब हम अपने उन एक्शंस को बोते हैं जो हमारे, हम जो व्यवहार कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं अपने शरीर से, तो उसके बदले में क्या, काहे की फसल आती है? हरकतों की या आदतों की फसल आती है, वो आदतें बन जाता है। सो अ हैबिट एंड यू रीप अ कैरेक्टर। और जब हम अपने जो हमारी आदतें हैं वो हमारा चरित्र बन जाती है, ढेर सारी आदतें आ जाती हैं और वही हमारा चरित्र बन जाती है। सो अ कैरेक्टर एंड यू रीप अ डेस्टिनी। और हमारे जो, हमारा जो चरित्र है, जब हम उस चरित्र को बोते जाते हैं या उस चरित्र में बढ़ते हैं, तो हमारा, हमें हमारी डेस्टिनी यानी हमारा वो लक्ष्य, उस वही हमें मिलता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये कहावत जो है ये बिल्कुल सही है। वेदर द सोइंग प्रोसेस बिगिंस विद अ पॉजिटिव थॉट और अ नेगेटिव वन, यानी हमारा जो प्रोसेसिंग है, यानी हमारे जीवन में ये बात इस बात पे बिल्कुल सही बैठती है कि जो कुछ भी हम बोते हैं, बोने वाला जो प्रोसेस है, बिगिंस विद अ पॉजिटिव थॉट, जो शुरू होता है सकारात्मक विचारों और नकारात्मक विचारों से, बिकॉज योर डेस्टिनी अल्टीमेटली बिगिंस विद योर थॉट्स, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो शुरू होता है विचारों से। अ की टू ग्रोथ इन्वॉल्व्स कीपिंग अ क्लोज आई ऑन योर थॉट लाइफ। इसलिए अवश्य है कि हम अपने विचारों को बहुत ध्यान से परखें और समझें, और इस बात के लिए हमारी आंखें उस पर लगी रहें जो हमारे विचार, हमारे विचारों में हम कैसे हैं। विचारों वाला जो जीवन है, अंदर का भीतरी मनुष्यत्व, क्या हमारे अंदर कौन से विचार हर समय अंदर चलते रहते हैं? आपको मालूम है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर विचार ना चलते हों। विचारों के लिए हम कुछ पदों को देखेंगे। सबसे पहले मेरे साथ देखिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 6 अध्याय का 5 पद।
यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। कैसे देखा? परमेश्वर ने देखा, कैसे देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। परमेश्वर कभी हमारी तरह पृथ्वी पर यह नहीं देख रहा कि लोग बुराई कर रहे हैं। परमेश्वर मनुष्यों के अंदर विचारों को देख रहा है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर के मैक्सिमम लोगों के विचार कैसे, और उसने देखा कि प्रत्येक मनुष्य के विचार में हाँ, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, पहली चीज निरंतर उत्पन्न होता है, विचार हमारे और आपके अंदर निरंतर उत्पन्न होता है, और दूसरी बात कि हमारे अंदर जो विचार उत्पन्न होता है वो निरंतर उत्पन्न होता है और बुरा उत्पन्न होता है, ईविल थॉट्स। तो मनुष्य जो है वो बुरे विचारों वाला व्यक्ति है। उसके मन में क्या पैदा होता है? विचार कैसा? बुरा। ये परमेश्वर ने मनुष्य के विषय में भविष्यवाणी कर दी उत्पत्ति में, जल प्रलय से पहले की बात है। तो क्या आज मनुष्य के विचार में अच्छे विचार पैदा हो रहे हैं? आज तो उससे भी भयानक स्थिति है। हाँ, तो इसको इंग्लिश में पढ़िए तो आपको पता चलेगा। इंग्लिश में एक बात, एक पॉइंट और आपको वहां पर प्राप्त होगा इंग्लिश में पढ़ने से, जो हिंदी में पढ़ने से नहीं हुआ। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 5, द लॉर्ड सॉ दैट द विकेडनेस ऑफ मैन वॉज ग्रेट इन द अर्थ एंड दैट एवरी इमेजिनेशन एंड इंटेंशन ऑफ ऑल ह्यूमन थिंकिंग वॉज ओनली ईविल कंटिन्यूअली। यानी दुष्ट विचार लगातार मनुष्य के अंदर उत्पन्न होते रहते हैं, और ये प्राचीन काल से आ रहा है। अब आपको इसमें दो चीजें मिल गई। विचार मालूम क्या है? हमारे अंदर जो विचार पैदा होता है वो हमारी कल्पना और उसका उद्देश्य, इंटेंशन, इमेजिनेशन एंड इंटेंशन। तो हमारे मन के अंदर, माइंड में क्या चीज पैदा होती है? ईविल इमेजिनेशन और ईविल इंटेंशन हमारे अंदर पैदा होता है, जिसे हम हिंदी में या इंग्लिश में थॉट कहते हैं, हिंदी में विचार कहते हैं। विचार क्या है? एक कल्पना, एक कल्पना जो हमारे मन में पैदा होती है, इमेजिनेशन आपके और हमारे अंदर आता है। इसको आप, इसके अगर आप सिनोनिम में जाके देखें यानी समान अर्थ में, तो वहां पे आपको कई शब्द मिलेंगे थॉट को लेकर। थॉट मीन्स कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का मतलब होता है आइडिया। आप बैठे हैं, बैठे हैं, बैठे हैं, बैठे हैं, आपके मन में कुछ आइडिया है, चलो ये करो, और उस आइडिया का आधार क्या होगा मालूम है? रॉन्ग इंटेंशन, गलत उद्देश्य। और उस गलत उद्देश्य पे जब आप उस कल्पना के लिए आपका शरीर काम करेगा तो उसके पीछे गलत उद्देश्य छिपा होगा, और उसी गलत उद्देश्य के लिए आपने, आपको वो आइडिया आया। तो आइडिया आता है ना, सबको आइडिया आता है, और जब विपत्ति आती है तो इंसान सबसे पहले आइडिया ही बैठे बैठे सोचते रहते हैं, क्या करें क्या करें, उसी समय कौंधता है, एकदम से विचार आता है, वो इमेजिनेशन। उसी को बोलते हैं इमेजिनेशन, उसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट, उसी को बोलते हैं आइडिया, और उसी को बोलते हैं विचार। अब आपके मन में जब भी विचार आए तो बहुत सावधान रहिएगा, क्योंकि विचार के स्रोत दो हैं, एक शैतान और दूसरा परमेश्वर। पहला शैतान, दूसरा परमेश्वर। अब आप एक बात बताइए कि आपके पास परमेश्वरीय विचार कभी नहीं आएगा, जब भी आएगा शैतानी विचार आएगा। इसी बात को हम आज स्टडी में देखेंगे कैसे। एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, दूसरा कुरंथियों उसका 10 अध्याय उसका 5 पद, दूसरा कुरंथियों 10 अध्याय, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का
जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते। देखिए, आपके मन में जैसे ही कोई कल्पना पैदा हो, विचार पैदा हो, आइडिया आए, कॉन्सेप्ट आए, वो कॉन्सेप्ट परमेश्वर की पहचान के विरोध में होगा, कभी भी परमेश्वर की ओर से नहीं होगा। लेकिन आपको हर विचार को परमेश्वर के वचन पे की कसौटी पे कसना होगा ले जाके, ये देखने के लिए कि ये परमेश्वरीय विचार है या ये शैतान की ओर से हमें भ्रमित किया जा रहा है। तो इसलिए आपको हर कल्पना का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करना है। यही कलीसिया में पवित्र आत्मा इसी बात के लिए हमको ट्रेंड कर रहा है जी। और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी, आपको, आप मसीह के आज्ञाकारी बन जाइए, आपके विचार मसीह के आज्ञाकारी बनने लगेंगे। और तब भी विचार पैदा होते रहेंगे, गलत विचार आएगा, लेकिन आप मसीह के आज्ञाकारी रहेंगे ना, तो वो विचार आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा और आपके द्वारा एक्शन नहीं कर पाएगा। एक और पद पढ़िए, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इंग्लिश में और क्लियर होगा। इन एज मच एज वी रिफ्यूट आर्ग्यूमेंट्स, देखिए आर्ग्यूमेंट्स का मतलब होता है दलीलें। लोग, कोई भी बात होती है किसी भी विषय को लेकर, कलीसिया में आना, कलीसिया में उपस्थिति को लेकर, वचन को लेकर, वचन की समझ को लेकर, कोई भी विषय हो, लोग दलीलें देते हैं। और उनकी दलीलों में मालूम क्या होता है, लेम एक्सक्यूजेस, ये हम इसलिए नहीं कर पाए, हम इसलिए नहीं आ पाए, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, ये दलीलें, इन्हीं को आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं इंग्लिश में। हम हर एक वी रिफ्यूट आर्ग्यूमेंट्स एंड थ्योरीज, तमाम तरीके की थ्योरीज लेकर लोग आते हैं कि नहीं आप ऐसा कहते हैं लेकिन हमारे इसमें ऐसा लिखा हुआ। थ्योरीज एंड रीजनिंग्स, तमाम तर्क लेकर आते हैं, रीजनिंग एंड एवरी प्राउड एंड लॉफ्टी थिंग्स दैट सेट्स इटसेल्फ अप अगेंस्ट द ट्रू नॉलेज ऑफ गॉड, परमेश्वर की सच्ची जानकारी के विरोध में जितनी भी थ्योरी, जितनी भी चीजें, भावनाएं खड़ी हुई हैं, उनको खंडन कीजिए जी। एंड वी लीड एवरी थॉट, अपने विचारों को आपको लीड करना है, वी लीड एवरी थॉट एंड पर्पस अवे कैप्टिव इनटू द ओबीडियंस ऑफ क्राइस्ट द मसाया द अनॉइंटेड वन। आपको उन सब चीजों को, अपने सारे विचारों को मसीह का आज्ञाकारी बनाना है, जो भी पैदा हो रहा है। तो आपको परखना पड़ेगा अपने ही विचारों को वचन के आधार पे। फिलिपियों की पत्री उसका 4:8 पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, नहीं ये 4:8, हाँ, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित है। देखिए उचित का उल्टा अनुचित, तो आपको उचित और अनुचित देखना है, आदरणीय और निरादर वाली चीजें देखनी है जी। और जो जो बातें पवित्र, यानी पवित्र और अपवित्र भी देखना है, और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सदगुण और प्रशंसा की बातें हैं। देखिए विचार, आप अपने विचारों को शुद्ध करना मांगते हैं, तो आपको विचारों को शुद्ध करने के लिए ध्यान लगाना है। मालूम है जिन जिन विषयों पर ध्यान लगाना, वो विषय सब लिखे हुए हैं, इन इन बातों पर ध्यान लगाओ। ध्यान लगाओ का मतलब बी अलर्ट। आप पवित्र और अपवित्र का अंतर देखो, यानी आप जो भी विचार आपके अंदर आ रहा है उसके अंदर आपको दो चीजें देखनी है कि ये पवित्र क्या, ये पवित्रता की ओर ले जाएगा कि अपवित्रता की ओर, ये उचित की ओर ले जाएगा कि अनुचित की ओर। ये सब बातें आपको अच्छा लग रहा है इसलिए आ रहा है या परमेश्वर को अच्छा लग रहा है इसलिए हमको करना चाहिए, हमारा मन है हम कर रहे हैं
या परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम कर रहे हैं, ये अंतर आपको देखना होगा जी। इसको इंग्लिश में फिलिपींस चैप्टर 4:8 फॉर द रेस्ट ब्रेदरेन वॉट एवर इज ट्रू वॉट एवर इज वर्दी ऑफ रेवरेंस एंड इज ऑनरेबल एंड सीमली वॉट एवर इज जस्ट वॉट एवर इज प्योर वॉट एवर इज लवली एंड लवेबल whatever is kind and winsome and gracious if there is any virtue and excellence if there is anything worthy of praise think on and weigh and take account of these things fix your mind on them यानी ध्यान लगाने का मतलब हमारा मन को उस पे केंद्रित करें। आपका मन जिन विषयों पर जिन बातों पर केंद्रित हो रहा है फिजिकली वही तो ईविल है वही तो गलत है वो दुष्टता से भरा हुआ है। एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा नीति वचन उसका 23 अध्याय का 7 पद Proverbs chapter 23:7 परमेश्वर के वचन के अनुसार जी क्योंकि जैसा जो व्यक्ति अपने मन में जैसा विचार कर रहा है वैसा वो आप है। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपको चोर लग रहा है तो आपके अंदर ये थॉट कहां से आया। जो व्यक्ति जिसको जिस विचार से देखता है वो वैसा खुद होता है, ये आधार है। इसीलिए जैसा वो मन में विचार कर रहा वैसा वो आप है। इंग्लिश में वो तुझसे कहता तो है खा पी परंतु उसका मन। देखिए बहुत बार लोग आपको अपने खाने पे बुलाते हैं धोखे के खाने होते हैं। खाने में जिसने व्यक्ति ने खाना पे आपको बुलाया है उसकी भावना ज्यादा मायने रखती है खाना नहीं। और आप किसी के भी जो आपके संपर्क में जिससे आपके बहुत अच्छे संबंध ना हो उसके बुलावे पे मत जाइए क्योंकि आपके विरोधी भी आपको बुलाएंगे खाने पे बुलाएंगे आपको मेहमान नवाजी के लिए बुलाएंगे लेकिन उनका मन आपको आपके साथ नहीं मिला हुआ है तो वो आपको बड़ी गलत दृष्टि से देखेंगे। इसलिए किसी के हर एक व्यक्ति के बुलावे में नहीं जाना चाहिए आपको वहां सेलेक्टिव होना चाहिए जिससे आपका दिल मिला विचार मिले मन मिले वहीं जाना चाहिए सब जगह नहीं। तो इसलिए क्योंकि दुश्मन जो है वो आपको परमेश्वर की उपस्थिति से इसी तरीके से अलग करता है प्रेजेंस से। वो आपको खाने पर बुलाएंगे बैरी अधिक चुंबन करता है तो जब आपको बैरी लोग इन्वाइट करें तो हजार बार सोचिएगा कि इनके बुलाने का उद्देश्य क्या है। परमेश्वर जो प्रेम करने वाले लोग होते हैं ना परमेश्वर के लोग वो आपस में निडर होकर एक दूसरे के पास जा सकते हैं लेकिन अगर कोई और व्यक्ति बुला रहा जिससे आपका मेलजोल नहीं है आत्मिक जीवन में उनसे सतर्क रहें वो इनवाइट करें तो कभी मत जाए जी। एक और पद है फॉर एज ही थिंक्स In his heart, so is he. आपकी विचारधारा ही आप हैं। आप कैसे जैसे विचार आपके हैं ना वो आप हैं। तो अपने विचारों को आप कैसे देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में। आप जब वचन पढ़ेंगे ना तो आपको वचन बताएगा परमेश्वर का वचन कि तुम ये जो ये वचन आई ना है इसीलिए आपके अंदर किस तरीके के विचार हैं। और जब आपको वचन ये बता रहा किस तरीके के विचार हैं तो आपको ये बता रहा है कि तुम क्या हो जी। As one who reckons, he says to you, eat and यानी जब तुमको कोई तुम्हारा बहुत वैसा व्यक्ति क्या है जो तुमसे जिसका मन तुमसे नहीं मिला है वो जब तुमको खाने बुलाता है वो तुमसे ये कहता तो है खाओ 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 अरे खाइए लेकिन वो उसका मन इस बात में है नहीं
कि ये खाए जी, ईट एंड ड्रिंक, येट हिज हार्ट इज नॉट, वो मन में तुम्हारे साथ नहीं है, उसके विचार तुम्हारे विचार मेल नहीं खाते हैं अंदर से, इसलिए ऐसे लोगों के साथ सतर्क रहे। बट इज ग्रजिंग द कॉस्ट, और वो चीज ऐसे लोगों का भोजन जो है वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। एक और पद पढ़ दीजिए, रोमियो की पत्री उसका 8:5-6। क्योंकि आत्मा, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर, आपका शारीरिक यानी आपके अंदर अगर शारीरिक विचार वाले हैं आप, तो आप शारीरिक व्यक्ति हैं, शारीरिक विचार वाला व्यक्ति आत्मा की बातों में मन नहीं लगाता, लगेगा ही नहीं जी। परंतु आध्यात्मिक, आत्मा की बातों पर आध्यात्मिक व्यक्ति ही आत्मा की बातों पर मन लगाएगा, शारीरिक विचार वाला, अब ये मन है, आपके मन के अंदर विचार है, तो आपके विचार नहीं बताएंगे, आपका मन कैसा है, वो किस विचार वाला है, उसके आधार पे हमको परमेश्वर अलग करता है। हमारे अंदर शारीरिक विचार है हमारे मन में, तो हम शारीरिक व्यक्ति कहलाएंगे, शारीरिक मन वाला व्यक्ति, और दूसरा आध्यात्मिक मन वाला व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन में मन लगाने वाला व्यक्ति। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इंग्लिश में और क्लियर हो जाएगा जी। शरीर पर मन लगाना, तो देखिए शारीरिक मन वाला व्यक्ति जो है उसका फिजिकल डेथ एंड है, शारीरिक शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना क्या है, किस पे मन लगाना, आत्मा, इसका मतलब है पवित्र आत्मा की बातों पर मन लगाना। जीवन मिलेगा और शांति मिलेगी जब आप पवित्र आत्मा की बातों पे मन लगाएंगे। इंग्लिश में पढ़ दीजिए, फॉर दोज हु आर अकॉर्डिंग टू द फ्लैश एंड आर कंट्रोल्ड बाय इट्स अनहोली डिजायर्स सेट देयर माइंड ऑन and pursue those things which gratify the flesh, but those who are according to the spirit and are controlled by the desires of the spirit set their mind on and seek those things Which gratify the Holy Spirit। देखिए आपके मन में अगर कोई विचार है और उस विचार का आधार अभिलाषा है कि आपके अंदर शरीर में अभिलाषा आ रही है कि ये ले लो, ये प्राप्त कर लो, ये कर लो, और आपके प्रचारक अगर आपको अभिलाषाओं पर फोकस करा रहा है कि ये तुम्हारी ये मनोकामना पूरी होगी, ये इच्छा पूरी होगी, अभिलाषा पूरी होगी, समझ जाइएगा कि वो पवित्र आत्मा नहीं बोल रहा, जो आपको शारीरिक बातों की लालसा पैदा करने के लिए बोल रहा है। प्रचारकों को आप चेक कर सकते हैं बोलते समय कि पवित्र आत्मा के द्वारा बोल रहे हैं कि या वो व्यक्ति का माइंड बोल रहा है। और दूसरा वाला पार्ट क्या है, नाउ द माइंड ऑफ द फ्लैश विच इज सेंस एंड रीजन विदाउट द होली स्पिरिट इज डेथ death that comprises all the miseries arising from sin both here and hereafter ji, but the mind of the holy spirit is life and soul peace both now and forever। yani aapke jeevan mein क्या आएगा, लाइफ एंड पीस, नहीं लाइफ एंड सोल, यानी आपके प्राणों में जीवन आएगा और पीस एंड यानी शांति, जीवन और शांति आपके प्राणों में आएगा अभी भी और आगे को भी, यानी अनंत जीवन के लिए। तो आपको अनंत जीवन मिलेगा जब आपका मन
पवित्र आत्मा की बातों पे लगेगा। लेकिन इससे ऊपर देखिए, शरीर पे जब मन लगता है और वो मन शरीर की बातों में लगता है, डिजायर्स पैदा हो, अगर आपके अंदर विचार आ रहा है और उसका प्रतिफल यानी उसका रिजल्ट डिजायर पैदा हो रही है, अभिलाषाएं, तो इसका मतलब ये शैतान की ओर से है, ये शारीरिक है, शैतानी है। और ये वो ज्ञान है, ऐसे लोग जो ज्ञान दे रहे हैं ना आपको, ये शैतानी ज्ञान और शारीरिक ज्ञान है। लेकिन जो पवित्र आत्मा का ज्ञान है, पांच का सेकंड भी पढ़िए, फॉर दोज हु आर अकॉर्डिंग टू द फ्लैश, यानी जो शारीरिक मन वाले लोग हैं उनको कैसे पहचानना, एंड आर कंट्रोल्ड बाय इट्स अनहोली डिजायर, यानी अपवित्र अभिलाषाओं के जो लोग हैं, ये शारीरिक लोग हैं जी, सेट देयर, इनका माइंड सेट देखिए, इनके सेट देयर माइंड ऑन एंड परस्यू, परस्यू का मतलब किसी चीज के पीछे भागना, परस्यू दोज थिंग्स, किसी चीज के पीछे, उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं विच ग्रेटिफाई द, जो शरीर की अभिलाषाएं उनके पीछे भाग रहे हैं। और ऐसे प्रचारक जो शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए आपको प्रचार कर रहे हैं कि प्रभु आपकी ये इच्छा पूरी करेगा, ये मनोकामना पूरी करेगा, ये सब झूठे प्रचारक हैं और ये पवित्र आत्मा वाले नहीं है, इनमें पवित्र आत्मा नहीं है। अब इसका बी पार्ट पढ़िए, बट दोज, जो पवित्र आत्मा वाले लोग हैं एंड आर कंट्रोल्ड बाय द डिजायर्स ऑफ द स्पिरिट, पवित्र आत्मा की अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते हैं, सेट देयर माइंड, हुआ उनका मन इन बातों पे फिक्स होता है, ऑन एंड सीक, देखिए यहां पर परस्यू नहीं लिखा, शारीरिक व्यक्ति शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक लोग हैं वो खोज रहे हैं, सीक दोज थिंग्स, उन बातों की खोज में है जिससे पवित्र आत्मा, विच ग्रेटिफाई द, जिससे पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी उन्नति हो और पवित्र आत्मा से हमको कुछ प्राप्त हो। ठीक, यहां पे देखिए दोनों चीजों को अलग अलग करके स्पष्ट किया गया है, अगर समझ हो, जिसके पास कान हो वो सुन ले। मेरे साथ एक पद आप निकालिए, दो पद हम और आपको देंगे, एक पद आपको मिलेगा भजन संहिता 139 अध्याय, साम 139 वर्स 2, उसका दूसरा पद, भजन संहिता, यहां दाऊद परमेश्वर से ये कह रहा है कि तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को, ओ परमेश्वर के पास आने की जरूरत नहीं है आपको, आपके विचारों को वो दूरी से समझ लेता है। इसका इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इंग्लिश में पढ़ दीजिए, साम 139 वर्स 2, यू नो माई डाउन सिटिंग एंड माई अपराइजिंग, यू अंडरस्टैंड माई थॉट्स अफार ऑफ, यानी दूर ही से हमारे विचारों को परमेश्वर परख लेता है कैसे हैं। अभी इसके बाद मरकुस रचे सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 21 और 22 पद पढ़ दीजिए, 7 अध्याय का 21 और 22 पद, यीशु मसीह यहां पर कुछ कह रहे हैं, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से क्या निकलता है, कभी अच्छे नहीं निकलेंगे, बुरे बुरे विचार, व्याभिचार भी एक विचार है, यानी आप कोई भी अपराध जो होता हुआ देख रहे हैं शरीर से कर रहा है व्यक्ति, ये अपराध शरीर अचानक से जाके काम नहीं कर रहा है, उसके अंदर विचार आता है और वो विचार परिपक्व होता है और शरीर के द्वारा क्रिया करता है। इसीलिए यीशु मसीह रूट पे बात कर रहे हैं, ये हमारी जड़ पे चोट कर रहे हैं, तो इस तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे भीतर से क्या क्या निकलता है, बुरे बुरे विचार, व्याभिचार, चोरी, हत्या,
पर स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा है, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर भीतर में कहां है, मन। तो हमारा मन कैसा है? दुष्टता से भरा मन, और यही हमारा स्वभाव है और ये प्राकृतिक है। आदम के पतन के बाद से समस्त मानव जाति का ये है असलियत, जो आपको जल्दी से तो नहीं दिखेगी लेकिन आप लॉन्ग रन में ऑब्जर्वेशन में रखिए। किसी व्यक्ति को आप बहुत पवित्र मान रहे हो, किसी को बहुत धर्मी मान रहे हो, आप अंडर ऑब्जर्वेशन रखिए, उचित समय पर आपको उसके अंदर से वो चीज दिखेगी। हर समय नहीं होता है, लेकिन धीरे 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 धीरे, क्योंकि आज का मनुष्य इतना चतुर हो गया है कि वो अपनी सब बुरी चीजों को छल से छिपा के रखता है। और जब तक वो आपके सामने प्रकट ना हो जाए, अगर आप परमेश्वर की आत्मा की बातों में बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचनों में ग्रो करेंगे, मसीह में बढ़ेंगे, तो आपको ऐसे ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी कि आप जो देखेंगे और जब किसी को बताएंगे तो लोग कहेंगे कि बड़ा आश्चर्य है। आपको वो चीजें परमेश्वर दिखाएगा, इसीलिए आपको मैच्योर करता है ताकि आप सहलो, देखकर सहलो। क्योंकि यीशु मसीह अपने चेलों से यही तो कह रहा था, मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी जिन्हें तुम अभी सह नहीं सकते, लेकिन परंतु जब पवित्र आत्मा जिसे मैं भेजूंगा वो तुम पर आएगा, तब तुम को वो सब चीजें दिखाएगा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा दिखाएगा, वास्तविक रूप में दिखाएगा, और तुम देखोगे और चकित हो जाओगे। ये हमारा अंदर जो मन है ना, मन सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है, ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है। और इसलिए अपने मन से सावधान रहिए, क्योंकि पाप में आपका मन ही आपको घसीटेगा। आपको प्रलोभन की तरफ कौन ले जाएगा? मन। आपको दुष्टता की तरफ कौन ले जाएगा? मन भरा हुआ है अंदर। और ऐसी दलीलें आप लोगों के सामने रखेंगे, वो तो हमारे पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हो गया था, पता नहीं उस समय मुझे ऐसा हो गया था, ये फॉल्स आर्ग्यूमेंट्स है। शरीर की अभिलाषा आपने पूरी कर ली, उसके बाद आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, और हम इन बातों पर लगातार विचार करते रहेंगे जब तक कि हमारे मन में ये चीजें हैं और हम इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हमारे अंदर गलत, हमारे मन में गलत विचार है। लेकिन आप परमेश्वर के वचन की कसौटी पर अपने विचारों को कस के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके आर्ग्यूमेंट जो निकल के आते हैं वो मन से आते हैं, तो मन कितना शातिर होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और आज हम ये वास्तव में अनुभव से जान गए, और इस बात को कहते हैं कि आपका एक एक वचन परखा हुआ है, ट्राइड एंड टेस्टेड, और ये वचन हमारे भीतरी मनुष्यत्व में जाता है और आपकी इच्छा को हमारे मन में प्रकट करता है, और हमारे मन को हमारे सामने भी प्रकट करता है कि हमारा मन में है क्या। आपका वचन इतना पावरफुल है, आपका वचन हमारे मन के अंदर जाकर प्राण और आत्मा को अलग अलग कर देता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, हमारे अंदर जो शारीरिक वाला पार्ट है हमारे मन के अंदर, वो पर आपके वचनों के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मन को आत्मिक पार्ट की ओर ले जाता है। इसीलिए प्रभु आपके वचन में लिखा है, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। यही काम तो पवित्र आत्मा आपके वचन के द्वारा हमारे जीवन में कर रहा, हमारे भीतरी मनुष्य में, ताकि हम सब का जीवन आपकी महिमा में आगे बढ़े और आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।